नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चंदा है पर गंदा है, यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी पर एक एनजीओ ने, एक सामाजिक संगठन ने हेरा फेरी का आरोप लगा दिया है। और इससे भी गंभीर आरोप ये कि वो पैसे देकर खुद चंदा लेता है और हवाला का भी यहां पर आरोप है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि राघव चड्ढा, संबित पात्रा जी और शोभा ओझा जी हमारे साथ बनी हुई। उन्होंने उनसे बात की कि भाई मेरे पे 50 लाख रुपए पड़ गए कैश में, मैं उसे रिवाइज करना चाहता हूँ। तो मेरा ठीक है, इसकी फीस लगती है, फीस दे दो और चेक ले लो, पर फीस अभी नहीं देनी, आप चेक ले जाओ। हम डेट भी नहीं डाल रहे, नाम भी नहीं डाल रहे, जिस मर्जी डेट पे जिस मर्जी के नाम से जब आप इसे डालोगे एंड कैश करोगे उस समय में 50 लाख टुगेदर विद अवर फीस उस समय दे दो। ये सिर्फ कमीशन लेके कुछ ही मिनटों में चेक दिए जाते हैं, यही ब्लैक को व्हाइट करने का तरीका है। तो मैं अरविंद जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब उनके पास वो जो चेक आए थे, अब मान लो मेरे पास ये चेक आ गए, मैंने तो इसको लेमिनेट करा लिया, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो चेक है, अगर मैं ये कहीं से ऑब्टेन करता हूँ तो क्या ये व्हाइट हो गया? क्योंकि कल बार बार योगेंद्र जी ने यह कहा कि हमने चेक से पेमेंट ली है। इन्वेस्टिगेट वो कराए या ना कराए, हमने मजबूर कर देंगे। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में केस आवाम फाइल करने जा रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास केस आवाम फाइल करने जा रहा है, आरबीआई को रिटर्न कंप्लेंट आवाम करने जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तो अभी हम 5 या 6 तारीख को जाएंगे और आप सब इन्वाइटेड हैं। राघव चड्ढा जी, उम्मीद है कि ये आवाज आपने सुन ली होगी, जबरदस्त और बहुत ही गंभीर आरोप है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जा रहे हैं, आरबीआई के पास आपकी शिकायत हो रही है, इलेक्शन कमीशन के पास आपकी शिकायत हो रही है, आप खुद पैसे देकर चेक लेते हैं, उस पर कमीशन देते हैं, वो पैसा कहां से आता है, क्या वो हवाला का पैसा? इतने गंभीर संगीन आरोप आप पर क्यों? जी मैं जवाब दे देता हूं। नहीं नहीं, हम तो तैयार थे इन तमाम तरीके की स्टिंग ऑपरेशंस, बयानों और एक्सपोजेस के लिए। हमें तो पता था इस प्रकार के फर्जीवाड़े के काम होंगे। जिस संस्था की आप बात कर रहे हैं और जिस अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने चलाई, उसमें मंच पे जो 2 लोग बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल मेंबर्स हैं। उनकी वेबसाइट पे, फेसबुक पे, तमाम तरीके पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कराया, फेसबुक पे और भी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो बीजेपी के मेंबर्स हैं। भारतीय जनता पार्टी की संस्था है, इसके टुकड़े पलते नहीं, एक आधा व्यक्ति कोई हमारा व्यक्ति कोई हमारी संस्था से छोड़ के कभी गया हो, पर बाकी ये जो लोग हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल मेंबर्स हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी फोटोज हैं हर जगह। ये तो आज सारा सोशल मीडिया पे चल रहा है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, आप खुद देख सकते हैं। जहां तक आरोपों की बात है सईद भाई, मैं एक बड़े यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको ये कहना चाहता हूं, ये लोग क्या जांच के लिए करें? हम कह रहे हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी बनाई जाए और तमाम पार्टियों के चंदे की तहकीकात करी जाए। हम तो खुद सामने आकर कह रहे हैं तहकीकात करो, पर दुख की बात यह है कि देश के बड़े बड़े मंत्री, आज प्रधानमंत्री जी से उम्मीद थी जनता को दिल्ली की कि चुनाव में अब 4 दिन रह गए हैं, वो कुछ विजन बताएंगे, बताएंगे कि दिल्ली की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, उन्होंने भी वो नहीं बताया। हमें अटैक करने की कोशिश करी, पहले कभी नक्सली कहते थे, आज काली रात को काला पैसा आया। उन्होंने कहा कि काली रात में काला पैसा आया। अब देखिए ना, जनता को भ्रम फैलाने का कितना प्रयास करा जा रहा है। हमारी पार्टी का सॉफ्टवेयर है, पूरे दिन में जो रियलाइजेशन होती है चेक्स की, वो रात को अपलोड करी जाती है। खाली वो 4 ट्रांजैक्शन थोड़ी है, उसके साथ साथ 80 और ट्रांजैक्शन होंगी जो एक समय अपलोड हुई, अच्छा, सब 12 बजे अपलोड हुई। तो काली रात को कोई पैसा सुन कर आया? अरे भाई, बैंक से पैसा आया, बैंक से पैसा आया। अगर हवाले का पैसा है तो जांच करो ना, अगर आपको लगता है आरोप। हमारी बात तो सुन लीजिए, हवाला पता होना चाहिए। राघव जी, हमने आपकी बात सुनी। राघव जी, एक बात बताइए, थोड़ी सी, थोड़ा एक सवाल मन में आ रहा है, वो ये कि आपने कमेटी बना रखी है अपनी, जो 10 लाख से ऊपर का चंदा आता है वो उसकी पूरी छानबीन करती है, क्या उस कमेटी को ये 50-50 लाख के जो आपके पास चेक आए उनकी छानबीन नहीं हुई? और क्या आप ये मानते हैं कि हाँ ये चेक आए हैं? पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है जी, पीएसी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है जो,
हाँ वो पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, वो तीन चार प्रकार के फिल्टर्स को चेक करती है, वो कोई ऑडिट फर्म नहीं है, वो कोई इन्वेस्टिगेशन बॉडी नहीं है, वो तीन चार प्रकार के चेक्स देखती है। पहला तो ये देखती है कि ये लेजिटिमेट कंपनी है कि नहीं है, ये कंपनी लॉ बोर्ड में रजिस्टर्ड कंपनी है, इसका पैन कार्ड है कि नहीं है, इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो रजिस्टर्ड है। फिर देखती है बैंक अकाउंट है, बैंकिंग रेगुलेशन के हिसाब से केवाईसी नॉर्म्स हुए हैं कि नहीं हुए, वो चेक करते हैं। अब इसका तीन साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछले दस साल पहले ये क्या करती थी, वो चीजें तो नहीं देखी जाती ना, वो हमारी हमारी जो जो नहीं, ये तो जिम्मेदारी से तो है नहीं, 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 मैं ये कह रहा हूं कि जांच करिए ना, अगर आपको मतलब आप इसका मतलब ये हुआ कि आपको फसाया गया। अरे भारतीय जनता पार्टी राघव जी जांच करे ना, राघव जी इसका मतलब क्या क्या हुआ? समित जी एक मिनट आ रहे हैं आपके पास, समित जी आ रहे हैं आपके पास, राघव जी आप हमें ये बता दीजिए कि क्या क्या आपको आपको आवाम के मंच पे, अच्छा राघव जी हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, प्लीज फंसाया गया आपको, आप ये मानते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आज आवाम के मंच पे जो लोग बैठे थे, आज तक के पत्रकारों ने भी वहां उनसे पूछा और कहा कि भाई साहब आज जो आप ये दो चेक दिखा रहे हैं कंपनी की, चेक आपके पास कहां से है? आप इस कंपनी में किस व्यक्ति से बात कर रहे थे? आपके पास उनकी चेकबुक की लीफ, वो तो हमने सवाल पूछे, कहां से आया? उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, उनके पास हमने सवाल पूछे, लेकिन आप सीधी सी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको क्या, आपको ये लग रहा है कि आपको फंसाया गया? राघव जी उस बात का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, हाँ या नहीं? भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है एक कॉन्स्पिरेसी, जिसके तहत आम आदमी पार्टी की छवि को मतलब खराब करने की, लज्जित करने की, कालंकित करने की कोशिश करी जा रही है, मतलब फंसाया गया। शोभा जी आप कुछ कहना चाहती थी, आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन ये बिल्कुल संबित जी मुस्कुरा भी रहे थे, हंस भी रहे थे, लेकिन आप पर आरोप सभ्य जी की आपसे सांठगांठ है इन लोगों की और आपने इन्हें फंसाया। देखिए सईद भाई, मैं तो जनता जो भाषा समझ सके, बहुत सिंपल भाषा में नहीं है, आरोप लगाए। अरे कौन आप, खत्म हो गया रैली राघव भाई, अब हम बता लेते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। देखिए एक चोर चोरी कर रहा था, पकड़ा गया, पुलिस आके पकड़ ली, और जैसे पकड़ ली चोर चिल्ला रहा है पुलिस को, अच्छा तुम रात को 12 बजे मेरे घर के सामने क्या कर रहे थे? मैं तो चोरी कर रहा था, तुमने मुझे पकड़ क्यों लिया? ये कमाल का आर्ग्यूमेंट है, मैंने ऐसे कभी नहीं देखा। आपने अकाउंट में आपके पैसे आए 2 करोड़ रुपए, आपने कहा कि 9 लाख के ऊपर चोरी करी, ये करो ना। अरे भाई रैली बंद करो, ये रैली सईद भाई, ये सईद भाई रैली बंद करवाइए, ये आम आदमी पार्टी की रैली को बंद कराइए पहले। सुन लीजिए राघव जी, आपको डिस्टर्ब नहीं किया शोभा जी और संबित जी ने, बात सुन लीजिए प्लीज। इतनी आप जितना बौखलाएंगे जनता और आप आपके सच को देखते जाएगी। देखिए आप जैसे ही आप पकड़े जाते हैं, आप पहले जो है बोलते हैं कि क्यों पकड़ा मुझे, ये पकड़ने वाले एजेंट है, सब लोग एजेंट है इस धरती में, बस आप ही नॉन एजेंट है। अरे अब तो ये एजेंट एजेंट का खेल बंद करिए, सिर्फ ये बताइए, आपने कहा कि आपकी पीएससी कोई ऑडिट एजेंसी नहीं है, अच्छा जब दूसरों के विषय में आप पीसी करते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तब तो आप सीबीआई के पिताजी बन जाते हो, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाता है, आप जाके स्विस बैंक से अकाउंट तक ले आते हो कि ये फलाना अकाउंट बुक नंबर है, मगर जब आपके घर में आप चोरी करते हुए पकड़े जाते हो तब कहते हो हम तो कोई एजेंट थोड़ी है। अरे क्या हम कोई सीबीआई मेरे को आपत्ति है शब्द पे, क्यों क्यों भाई मैं अरे दो करोड़ रुपए आपने चोरी की है, पूरा देश देख रहा है, और आप उल्टे पुलिस को डांट रहे हो, बताइए कमाल है, कुछ गलत काम कर रहे, आरोप मत लगाइए। आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के रैली बंद करिए, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, आप ऐसे आरोप ना लगाए कि चोरी करी, क्या चोरी 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 लगा रखा है? जैन हवाला ट्रांजैक्शन में हुई थी चोरी, जैन हवाला कहां से आ गया? नहीं है मैम, जैन हवाला कहां से आ गया? खुली पड़ी है, आगे जांच करिए। डायवर्ट ना करें, डायवर्ट ना करें, एक ही मुद्दे पर बात हो जाए, काफी वक्त कम होता है। शोभा ओझा जी, शोभा ओझा जी ने एफिडेविट दिया दिसंबर 2014। शोभा जी आप इस इन दोनों की बातचीत में चर्चा में कुछ कहना भी चाह रही थी। राघव जी प्लीज। शोभा जी, दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि ये बीजेपी का किया धरा है, डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल की गई हैं, और शीला दीक्षित जी ये कहती हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें जांच होनी चाहिए, अगर ऐसा किया गया है तो ये अपराध है। तो ये आपका अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं है इस पर? देखिए हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आप हो, दोनों की असली चेहरे जनता के बीच में आ चुके हैं। जो बीजेपी 8 महीने से जनता को गुमराह कर रही थी, अच्छे दिन का वादा किया था, वो भी एक्सपोज हो चुके हैं, और आप पार्टी जो बहुत ईमानदार बनती थी, हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात करती थी, और अपने आप को दूसरी पार्टियों से बहुत साफ सुथरा
बताती थी वो भी एक्सपोज हो चुके हैं, तो दोनों ही एक्सपोज हो चुके हैं, तो दोनों ही मुद्दों से भाग रहे हैं जो बीजेपी की ने पिछली बार दिल्ली को पूरे चंदे वाले मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? आप दिग्विजय सिंह जी से सहमत हैं या शीला दीक्षित की तरफ जा रही हैं, उनके साथ सहमत हैं? देखिए पार्टी का जो स्टैंड है साफ तौर पे कि आप पार्टी को इस बात को क्लियर करना चाहिए कि आखिर वो कौन सी कंपनियां थी जिससे 2 करोड़ रुपए उसे मिले, और उन कंपनियों से जो वो चंदे की बात करती थी, जो दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाती थी, आज बैकफुट पे क्यों है, आज क्यों वो बहानेबाजी कर रही है, क्यों खुल के नहीं आ रही है उस पे? सुन लीजिए, आपको क्लियर आना चाहिए, क्योंकि चंदे के को लेके वो दूसरी पार्टियों पे बहुत आरोप लगाती थी, और आप जो कहती है और उसकी करनी और कथनी का फर्क आज नजर आ रहा है, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, काला धन शोभा जी, राघव जी भी और संबित जी भी, दोनों आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। संबित जी, राघव जी, हम आप दोनों की बात यहां पर जरूर सुनेंगे, लेकिन बस अब से कुछ ही देर में लौटते हैं। लेकिन एक पर गंदा है ये सवाल उठ रहा है। संबित जी, आरोप जरूर लगे हैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई ठोस सबूत इस वक्त है? बिल्कुल सबूत, जहां देखिए जहां पे चोरी हुई है मौकाए वारदात पे ही सबूत मौजूद है, और मौकाए वारदात है आम आदमी पार्टी क्या, का क्या, वेबसाइट सबूत क्या? वेबसाइट पे आप देखिए जाके किस प्रकार से जिन कंपनियों का नाम लिया गया है उन कंपनियों का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। 7.5% वो अपना दे सकते थे, जवाब देना चाह रहे थे, जवाब दीजिए राघव, सुन लीजिए। अब आप सईद भाई, आप ये सोचिए ये बात, अगर ये कुछ हवाले का पैसा होता, ये लोग जो कह रहे हैं, ये इन्होंने जैन हवाले बड़े देखे हैं, हवाले का पैसा होता तो हम अपनी वेबसाइट पर डालते क्या जी ये कंपनी है पैसा, कैसी बचकानी बात करते हैं। अब मेरे 2-3 पॉइंट बिंदु सुन लीजिए, फिर शो खत्म करेंगे। जिसके अंदर आम आदमी पार्टी को आप दोषी करार सकते हैं, एक धारा बता दीजिए इंडियन पीनल कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, देश के कोई भी कानून की, जिसके अंदर आप आम आदमी पार्टी को दोषी ठहरा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इशू पे स्टिंग करती थी, आज खुद पकड़ी गई है तो पूरी तरह से विचलित है और पूरी तरह से परेशान है, उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वो कहते। बहुत धन्यवाद शोभा जी, संबित जी और राघव जी, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।